हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज 2 तारीख है और अभी 3:30-4 बजे का टाइम हो रहा है। मैं प्रॉपर टाइम नहीं देखी हूँ। तो हम लोग के घर आज बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ नहीं, एक ही आइटम आया है, बहुत सारा आया है। तो वो सबको अभी मैं निकालूंगी, फ्राई करूंगी। क्या है बोली तो मछली। तो आज का और आज का ब्लॉग अभी से शुरू होता है। मैं आप लोग के साथ अभी से मेरा पूरा क्या क्या कर रही हूँ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो फिश है स्पेशली फ्राई होगा। फ्राई ऐसे हम लोग नॉर्मली जैसे करते हैं, ये क्रंची क्रंची फ्राई होगा, जो कि हम लोग ऐसे फिश फ्राई खाएंगे। क्योंकि कल गए थे हम लोग पिकनिक, तो उस टाइम आप लोग देखे होंगे हम लोग फिश फ्राई का एक आइटम रखे थे, क्योंकि बोला जाता है कि फिश जो है शुभ मानते हैं उसको। तो इसी वजह से शुभ मानते हैं, तो फिर हर शुभ काम का शुरुआत में हम लोग फिश रखते ही हैं, ताकि पूरा साल भर हम लोग का अच्छा जाए। इसी वजह से उसका तो कोई ये नहीं था। और ये मिल गया हम लोग को, जहाँ से कल ही मंगाया गया था ना, तो मिल गया हम लोग को देसी मछली, तो नदी वाला। तो फिर ये देखिए कितना बड़ा बड़ा पीस है ना इसका, ये पूरा 2 किलो है, कितना बड़ा पीस है। तो इसको अभी मैं क्लीन करूंगी, अभी फ्राई करूंगी, और कुछ जो है स्पेशल फ्राई करूंगी, जो कि सिर्फ खाने के लिए। तो ये सबको फ्राई अभी अच्छे से धोना है मुझे। और 2 तरह का आया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें है आपका 2 किलो और यहाँ भी है 1 किलो, तो टोटल 3 kg आया है आपका फिश अलग अलग। ये है कातला और ये है रोहू, ऐसा कुछ कहते हैं। कातला को भी क्या कहते हैं प्रॉपर, आप लोग क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर हम लोग कातला ही कहते हैं उसको। तो फिर ये देखिए, अभी मैं इसको फ्राई करती हूँ, फिर दिन भर भी मैं इसको फ्राई करती हूँ। पहले वॉश करती हूँ, फिर फ्राई करूंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में ऑल कर दीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा और आप सारे वीडियो का मजा ले सकेंगे। और कुछ पुराने वीडियोज को देखना चाहते हैं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। साथ में इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टा का आईडी जो है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिए। तो पहले ये सबको क्लीन किया जाए। ये प्रॉन, वरना ऑयल से पूरा मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसी वजह से फिर आज, और यहाँ एक चीज है आपको कि आप थोड़ा थोड़ा नहीं ले सकते हो, कि आपको चाहिए 200 ग्राम 250 ग्राम, ऐसा यहाँ पर नहीं देते हैं। लेना है तो आपको पूरा गोटा ही लेना होगा, तो इसी वजह से ऐसा होता है यहाँ इतना ज्यादा। बस हम लोग तो खत्म नहीं कर पाए, तो फिर मैं खुशी गुन्नू और गोलू को बुलाई हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद है फिश फ्राई खाना। और क्या है कि भैया और भाभी नहीं खाते हैं, तो फिर साथ में भैया भी गए थे, दोनों लेकर आए हैं। तो मैं बोली वहाँ फिर और क्यों, ठंडा हो जाएगा वहां जाते जाते, फिर अभी इसलिए मैं फ्राई कर दे रही हूँ, ताकि वो लोग ऐसे घूमते फिरते आ जाएंगे, गर्मा गर्म फिश फ्राई खाकर ही जा पाएंगे, और बेटी भी वो लोग के साथ खा लेगी, अच्छा लगता है ना। और इतना ज्यादा खत्म नहीं होगा, दोनों का ये था कि ज्यादा ले जाएंगे बच्चे मन भर के खाएंगे, तो खाएं बच्चे मन भर के। तो इसी वजह से मैं कर दे रही हूँ अभी, वरना इसको तो मैं फ्रिज में रख सकती थी, इसीलिए मुझे अभी करना पड़ रहा है। वो लोग आएंगे कुछ देर बाद, तब तक मेरा ये सब फ्राई भी हो जाएगा। पहले सोच रही हूँ रोहू वाला फिश को फ्राई कर लूँ, फिर इसको करूंगी कातला को, तो बच्चों को जो पसंद आएगा उसको फ्राई कर दूंगी। वो लोग आएंगे फिर उनके लिए जो खाने के लिए फ्राई करूँ। बस 1 मिनट, हाँ अभी पूरा आवाज आएगा फटफट फटफट। बस एक बार का मैंने चढ़ा दिया है। इस तरह तुरंत ढक देने से क्या होता है, आपका मेहनत कम हो जाएगा, इस तरह का छींटा नहीं लगता है चारों ओर। जब भी फ्रेश फ्राई करें ढक लीजिए तुरंत से, तो फिर छींटा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और कुछ टाइम बाद निकाल देने से उसका ढक्कन को, तो फिर पानी उसमें जो ये आता है ना, पानी वगैरह रहता है, वो सब सूख गया रहता है और छींटा बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं तो एक थाली को ढक दी हूँ, ऐसा ही करती हूँ, वरना मेरा मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाता है, पूरा यहाँ तक छींटा आ जाता है ना दूर दूर तक, इसी वजह से। तो चलिए बारी बारी से सब फ्राई करती हूँ इसको, तो एक बार फ्राई होने में थोड़ा सा डीप फ्राई होने में टाइम लगेगा।
फिर इसको बस ट्राई करने के लिए रखी हूँ। और मेरे किचन में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया है, जो ये वाला लाइट है यानी जो करंट से जलता है ना, वो वाला मनमर्जी हो गया है। जैसे उसका मन होगा तो अभी जलेगा, नहीं तो नहीं जल रहा है। बस इन्वर्टर वाला लाइट जल रहा है, तो इसी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है कि लाइट कम हो जा रहा है। वो ख़राब ही नहीं है, पता नहीं होल्डर में कुछ प्रॉब्लम होगा क्या ये वाला लाइट, तो इसी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। अभी देखिए अपने मन से जला है, कुछ टाइम पहले किचन पूरा अंधेरा अंधेरा लग रहा था ना, क्योंकि वो वाला लाइट अपना मनमर्जी कर रहा है। और फिर जो है एक बार का फ्राई होने को है, बस ये बात मुझे आप लोग को बोलनी थी कि किचन में क्या प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो मेरे लिए बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है, क्योंकि लाइट का कमी होने से ना ही वीडियो अच्छा लग रहा है, ना ही मुझे अच्छा लग रहा है खाना। एक बार आदत हो जाता है पूरा फुल लाइट में कुछ करने का, फिर मन नहीं करता कि अंधेरा अंधेरा लगे, तो इसी वजह से मुझे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम दिखाना पड़ेगा। कोई भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर ये वाला होल्डर को चेक कराना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले जब सुबह नहीं जलता है उसका मनमर्जी, सिर्फ शाम को ही वो जलता है, पता नहीं, मैं उसको बोलती हूँ उसको सर्दी लग रहा है, तो इसी वजह से शाम होते ही घर आता है, वरना बाहर बाहर रहता है। तो ये बोलना अच्छा ठीक है, किसी को बुलाकर दिखा देंगे। तो चलिए बच्चों के लिए कर रहे हैं ट्राई, क्योंकि वो लोग आ ही रहे हैं। हम मैं भी फोन की थी, वो लोग निकल गए हैं घर से, तो फिर इसी वजह से मैं भी वो लोग के लिए ट्राई कर रही हूँ। सर महक रहा है तो फिर सब देखेंगे। तेल छिटकता है, पूरा खराब हो जाता है, हम बोले चलो ढक ढक के हम हमेशा ऐसे ही करते हैं। हम बोले आप लोग वहां से निकले हैं तो हम फोन देख लिया इसमें नहीं भी। अच्छा सरप्राइज दे, अच्छा मम्मी अच्छा इसको देख लेना, तो वो सरप्राइज है। अच्छा ठीक है, स्कूटी को अंदर कर दिए ना। आई कंघी भी नहीं की है आज दिन भर, डेढ़ दो बजे नहाई है। दिखाएंगे हम लोग को, तो चलिए हम सब देखते हैं, सिर्फ मैं और आप क्यों, बच्चे सबको ही सबको दिखाएंगे। अभी लाइट दे दीजिए, वाला ढक के रखे हैं। हम भी बोले क्या? बोले भाई है क्या, तो बोलते हैं कि आइए पहले। हाँ हमको भी नहीं दिखाए, नहीं पहले हमको आने दीजिए। अच्छा ठीक है रुकिए, सबको ही देखेंगे। ये देखिए हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है इसमें, बहुत प्यारा केक है और अभी अभी बना है क्योंकि गरम गरम है। और भी है, और तीन हार्ट बना हुआ है। अच्छा तीन हार्ट बना हुआ है, और रुकिए और साथ में इसमें खोया है, खोया है इसमें। और ये किसका करामाती है? तीनों का। अच्छा नहीं वैसे नहीं, जिन लोगों का करम आती है उन लोग से मिलाते हैं, ये पहला ये दूसरा और तीसरे, मतलब आइए सब खाते हैं। अच्छा हाँ ये डेजर्ट बाद में खाएंगे, ठीक है ये डेजर्ट है, पहले आप अपना खिलाइए। हम लोग कब से मांगे थे पता है? आपकी आंटी नहीं दी, बोली नहीं जब बच्चा लोग आएंगे हम गरम गरम तभी बनाएंगे, नरम हो जाएगा तो क्या करेंगे, क्रंची बना के दे रही, ठीक है वो हमको आ गया गर्मा गर्म फिश फ्राई ना। चलिए
डेजर्ट को हम साइड कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों का डेजर्ट चलेंगे। बैठिए और एक कुर्सी मैं देता हूँ, बैठिए रुकिए, वहां से होगा कि छोटा छोटा प्लेट दे, प्लेट दे रहे, बैठिए। अभी हम लोग फिर से न्यू ईयर को सेलिब्रेट करेंगे। ये बच्चों का ही प्रोग्राम था जो कि हम लोग का न्यू ईयर फिर से स्पेशल बनने वाला है। तो देखिए चारों को कैसे जैकेट पहन के बैठ गए हैं। अब तुम नहीं पहनी हो? अच्छा हो गया, हाँ अभी चारों बैठ गए हैं। तो रुकिए इसको स्टैंड में लगा देते हैं, फिर हम लोग दो जन तीन जन आप लोग चाकू पकड़ लो, हम लोग ऐसे कर लेंगे। मन नहीं करता यहाँ तकलीफ से बनाने के बाद फिर इसको छक 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 काट देना। सही में ये तो कोई किधर है, टेस्ट करते थे चाय चढ़ा रही हूँ हम लोग के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। तो फिर बच्चों को भी ये है कि थोड़ा चाय पियेंगे, तो थोड़ा थोड़ा ही सही, पर चाय पीना जरूरी है इस ठंडा में, तो इसलिए। और बच्चे तो आज हम लोग का दिन ही बना दिए, उम्मीद ही नहीं था कि इतना अच्छा फिर से 2 तारीख भी सेलिब्रेट हम लोग कर पाएंगे आज का दिन को भी। मुझे ना आज मेरा कैमरे में पूरा फोकस अच्छा नहीं लग रहा है, और आते साथ ना आप लोगों को तो पता है मैं थोड़ा सा मानती हूँ ऐसा, जैसे कि यहाँ पर मैं फिश को फ्राई की थी तो फिर से गैस को पूरा पोछा लगाई, उसके बाद चाय चढ़ा रही हूँ। तो ये बस थोड़ा इसमें अदरक डाल देंगे, और वो लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, बेटी भी बहुत खुश है, वो लोग भी बहुत खुश हैं, तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है ना, बच्चे भी खुश होते हैं साथ में, आपको भी अच्छा फील होने लगे, तो चलिए यही अच्छा लगता है हमेशा। हंसी वहाँ से आप लोग को हंसी का आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, एक मिनट इधर से ही ठीक रहता है, सही है इधर से। आज मैं दिन भर कंघी भी नहीं की हूँ, क्योंकि जैसे मैं आपको बताई ना, लंच के बाद ही ये ला दिए थे, तो फिर ये सब के चक्कर में नहीं हुआ।
तो सोची जाने दो जैसा है, क्योंकि सर्दी है, बाहर नहीं जा रहे हैं, तो फिर चलेगा घर पर भी। वरना मेरा होता है शाम का ड्यूटी ये कि मैं क्या करती हूँ, शाम को कंघी करके तैयार रहती हूँ। कंघी, फ्रेश होना, कंघी करना, ये सब मेरा लिस्ट में है, पर नहीं हुआ है आज, तो चलेगा, कोई बात नहीं। चलिए चाय बना लेती हूँ, फिर मैं बच्चों के पास जाऊँगी लेकर, चाय एक बार बन जाए। तो ये लीजिए चाय, हाजिर है चाय है, केक भी बचा हुआ है ना, मिला इसको भी एक तो डिनर टुकड़ा। अच्छा ठीक है, आधा आधा करते हैं खुशी के साथ। खुशी, अच्छा तुम सबसे खतरनाक जिसको, वो तो गिन रही है। ओह, आपने उसके लिए आया है कि नहीं आया है? हाँ। उसको नहीं देना है, आज नहीं आया है, नहीं आया है। जो कप में, नहीं तुम थोड़ा ज्यादा पियो उसको, देखो पूरा देखो, मेरा ही चल रहा है। हाँ रुको, अच्छा पकड़ो, दादा का मिल रहा था, हम पकड़ रहे हैं। किसका एक्शन से है? हाँ, चाय को इसलिए कर रहे हैं कि चाय को कैसे अब सबसे बड़ा आदमी तो अच्छा जा रहे हम भी। अभी मेरे बच्चे लोग निकल रहे हैं, देखिए बाय बाय, मेरे तरफ से भी बाय बाय, क्योंकि अभी मुझे पढ़ना है। तुम भी चल जाओ दीदी लोग के साथ, भाई भाई। वो तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी, तो फिर मिलते हैं, चलिए छोड़ के आते हैं। क्या हुआ? देखो कॉकरोच नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा है। हम लोग बोलते हैं ये वाला कीड़ा देखने से झगड़ा होता है, झगड़ा नहीं, नहीं।, नहीं। पहले बहुत आता था, अब कम कम आता है। हमको तो लग रहा है ना बेबी साथ साथ जाएगा। बेटा केयरफुली जाना है, बाय बाय, बाय बाय। तो अभी मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन से मेरा काम खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे कि अभी बनाना है मुझे डिनर, और वो कर रही है बदमाशियां, क्योंकि उसको मैं और टास्क दे दी हूँ। उसका पढ़ाई तो खत्म हो गया है, क्योंकि जैसे ही खुशी लग गई तो फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा पढ़ने को मिला, उसको मिला नहीं, मतलब वो अपने से बैठी, तो उसके बाद मैं बढ़ा दी उसका टास्क, जिस वजह से वो हो गई, उसका थोड़ा सा गुस्सा बढ़ गया है, और मुंह में थोड़ा सा एक छोटा सा घाव आ गया है, जो ठंडा गर्म में होता है ना उससे वाला। मैं आप लोगों को बता रही थी ना, मैं गर्म पानी नहीं पी पाती हूँ, जैसे ही पी ली ना पेट गर्म हो गया कि क्या हुआ पता नहीं, मुंह में छोटा सा घाव हो गया इस जगह में अंदर, तो फिर बात नहीं हो पा रहा है अभी, देखती हूँ कब तक ठीक होता है। जैसे वैसे होता है तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो फिर चलिए अभी मुझे आटा गूंथनी है, फिर रोटी बनाऊंगी, रात का डिनर का तैयारी करूंगी अभी। तो आज का ब्लॉग यहीं तक, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी, और आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।